जय जय करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, सभी का कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो 5 दिवसीय जो निश्चितकालीन हड़ताल था उसका 3रा दिन है। हमने पूर्व के 2 दिवस में भी अलग अलग एक्टिविटी करके सरकार को ये बताने की कोशिश की है, जो उन्होंने घोषणा किया है हम उसी को मांग रहे हैं, क्योंकि हमारी ये तो पहले से ही जायज़ मांग थी, लेकिन सरकार ने अपना वोट पाने के लिए 2018 में जो घोषणा पत्र है उसमें सबसे पहले फ्रंट पेज में हमारे अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात रखी थी, तो वो उन्होंने कहा था 10 दिन में पूर्ण करेंगे, लेकिन वो 10 दिन के अभी 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उसमें कुछ भी कार्यवाही उन्होंने नहीं की है। तो वही हम सरकार को याद दिलाना चाह रहे हैं कि हमारे लिए जो आपने कहा था उसे ही पूरा करें, हमारी जायज़ मांगों को पूरा करें, उसे ही हम अलग अलग तरीके से उन्हें याद दिलाना चाह रहे हैं। तो आज हम रैली के माध्यम से हमारी जो संख्या है, हमारा जो बल है वो हम उनको दिखाना चाह रहे हैं। इसके बाद भी हमारा 2 दिवसीय और कार्यक्रम है, उसमें भी हम इसमें डटे रहेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम उसके आगे की रणनीति तैयार करेंगे, निश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम डटे रहेंगे। हम उनके वोटर हैं, उसी से हमारे बातों को रखकर वह हमसे जीते हैं, क्योंकि हम इन्हें अपने लालच में कहना चाहिए, हम लालच में उन्हें वोट दिए हैं कि हम नियमित होंगे, क्योंकि हमारे परिवार ने भी हमारे लिए हमको उनको वोट दिया है और उनको जिताया है, तो हमारा परिवार, हमारा संघ, हमारे लोग उनको हरा भी सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम डटे रहेंगे कि हम जब तक नियमित नहीं होंगे हम लड़ते रहेंगे। मेरे को मंशा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस सरकार को कोई मंशा होगा कि परमानेंट करें करके, अभी तक जो स्थिति है, इसीलिए हमने ये इस 5 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। आज हमारा 3रा दिन है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग हड़ताल कर चुके हैं। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में 2018 के जो जन घोषणा पत्र बनाए थे अपने, उसमें बाकायदा लिखा था कि दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी को हम 10 दिन में नियमित करेंगे करके, लेकिन आज 4 साल बीत गया है। 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी फिर विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसके बाद भी हम लोग कभी नियमित नहीं किए हैं, तो इसी के विरोध में हमने अभी 5 दिवसीय जो निश्चितकालीन हड़ताल है वो कर रहे हैं। आज 3रा दिन हमने रैली निकाली है। रैली में हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, वो पूरा करें, नहीं तो पूरा नहीं होगा। तो हम भी सभी संविदा कर्मचारी हैं, हम भी उनके वोटर हैं, ऐसा नहीं है हम वोटर नहीं हैं। अगर संविदा कर्मचारी है तो हमारे परिवार में भी सदस्य हैं, हमारे पास पड़ोस में भी सदस्य हैं, तो फिर वो हम हमारे हिसाब से उसका वो करेंगे, बहिष्कार करेंगे। संतोष चंदेल, जिला संयोजक।